तो जिस घड़ी का हर किसी को इंतजार था वो शुभ घड़ी बेहद करीब आ गई है। कल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए लगभग सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। आपके सामने दो तस्वीरें हम दिखाएंगे। पहली तस्वीर आज की है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। दूसरी तस्वीर कल होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की है। और बड़ी खबर है, अयोध्या में कल होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। राम मंदिर में अनुष्ठान का छठा दिन है। आज मध्याधिवास और शय्याधिवास अनुष्ठान होना है। तो ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। मंदिर जो है वो पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। अब तैयारियां अंतिम रूप ले चुकी है। कल प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। राम मंदिर की नई तस्वीर सामने आई है। भव्य तरीके से सजाया गया है राम मंदिर। फूलों से सजाया गया है रामलला का दरबार। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है श्री राम का मंदिर। और ये देखिए, मंदिर के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है और मंदिर की रौनक देखते ही बन रही है। मंदिर बेहद भव्य है। सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि का वादन होगा। 50 से ज्यादा वाद्य यंत्रों से होगा मंगल ध्वनि वादन। और कल है प्राण प्रतिष्ठा का दिन। कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और बड़ी खबर है, प्राण प्रतिष्ठा के दिन कल सुबह से मंगल ध्वनि का वादन होगा। कल सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। वहीं समारोह में मंगल ध्वनि का भव्य वादन, 2 घंटे तक होगा मंगल ध्वनि का वादन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने दी जानकारी। तो सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि का वादन होगा, जैसी जानकारी मिल रही है। अब तैयारी अंतिम रूप में पहुंच चुकी है और कल सुबह से ही मंगल ध्वनि का वादन अयोध्या राम मंदिर में शुरू हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से पंकज झा लाइव जुड़ गए। पंकज जी, आज का पूरा कार्यक्रम क्या है, क्योंकि कल तो सबसे महत्वपूर्ण दिन है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का। आज भी कहा जा रहा है कि पूजा के कई कार्यक्रम रखे गए हैं मंदिर को लेकर के। आपके साथ कई सारे लोग भी मौजूद हैं, जरा जानकारी दीजिए इस बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, आज भी थोड़ी देर बाद में पूजा का विधि विधान शुरू होगा। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने बताया कि आज 18 राज्यों के जो अलग अलग वाद्य यंत्र है वो बजाए जाएंगे। और जरा संख ध्वनि से बताइए कि आज क्या हो रहा है अयोध्या में। आपके पास तो संख था। और बाबा, जय श्री राम, जय श्री राम बाबा। क्या मंगल भवन मंगल हारी माहौल बनाए थे, जरा मंगल भवन मंगल चौराहे पर, और जहां पर पूरे रास्ते सील कर दिए गए हैं, बाहर के लोगों को आने जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी सवेरे से ही लोग यहां आए हुए हैं, सरयू में स्नान कर रहे हैं और अलग अलग जगहों से। कहां से आना हुआ आपको, कहां से आए हो आप? बिहार से आए हैं। बिहार से, तभी तो दर्शन बंद है। फिर भी हम लोग आए, पैदल चल के आए हैं। हम लोग सोचे कि पूरा पाप धो ले। हाँ, इसीलिए हम आए हैं। पाप धोने के लिए अमृत की बरस रही बदरिया, राम नगरी अयोध्या नगरिया। श्री गौरी पुत्र गणेशाय नमः, श्री जटा शंकराय महादेव। तो आप कहाँ से आगे झोला उला लेकर के? तो बंद था, बक्सर से आए हैं। हाँ, अयोध्या धाम देखने के लिए। आज हम लोग को इतना मन धन्य हो गया कि ऐसा पीएम सीएम चाय वाला और गाय वाला, वाह, दोनों चाय वाला गाय वाला कह रहे हैं लोग। ये बाबा भी है, संत जी बताइए। आज हमको कोई आने का विचार था, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र ने बुला लिया हम छपुआ। भगवान राम ने बुला लिया, राम की मर्यादा ने बुला लिया है। तो ये अयोध्या नगरी में राममय माहौल है। बिल्कुल पंकज जी, आपके पीछे राम भक्त मौजूद है और हर कोई कुछ ना कुछ कहना चाहता है राम भक्ति में लीन हो करके। दूर दूर से लोग आए हैं, भले मंदिर बंद हो, लेकिन चाहते हैं दूर से ही भगवान राम के उस भव्य मंदिर के दर्शन कर ले। और जैसा लोगों ने बताया कि बहुत ही उत्साहित है वो। बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।